हाय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी का रिक्वेस्ट था कि सॉइल मैकेनिक्स के ऊपर भी वीडियोज़ बनाए जाएं, बहुत सारे स्टूडेंट ने काफ़ी कमेंट करके बोले कि सर सॉइल मैकेनिक्स के ऊपर भी वीडियोज़ बनाइए। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं और बहुत जल्द ही ये जो सॉइल मैकेनिक्स के हैं, ठीक है, और नॉर्मली मैं मतलब SSC JEE के बेस पर बोलूँ, SSC JEE के बेस पर बोलूँ, चाहे RRB JEE के बेस पे या यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम होती है ना, उस बेस पर ही मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा कि ताकि आपके लिए जो सॉइल मैकेनिक्स है वो बहुत ही आसान हो जाए, ठीक है, आसान भाषा में, आसान तरीके से, आसान वे में, ठीक है। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर मैं अगर आया हूँ और आपको आसानी से समझा सकूं, इसलिए सॉइल मैकेनिक्स को लेकर आया हूं। और थोड़ा सा स्टार्टिंग में पहले तो इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि क्या क्या पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में मैं बताऊं कि पहले तो सॉइल है क्या, पहले तो वो जान लें कि सॉइल होता क्या है। तो सॉइल जो होता है ना, कि जो रॉक होता है, पत्थर होता है, वो छोटे छोटे टुकड़े में चूरा बन जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में आ जाता है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में होके मिट्टी बन जाता है, तो उसी को सॉइल बोलते हैं, ठीक है। छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल में आ जाता है, उसी को सॉइल बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। स्मॉल, और इसका डेफिनेशंस भी अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, स्मॉल सॉलिड पार्टिकल। यहाँ पर डेफिनेशंस को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो सॉइल है उसका डेफिनेशन कि स्मॉल सॉलिड पार्टिकल कॉज बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड सॉइल, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन को और एक नाम से बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन मतलब वेदरिंग। मैं यहाँ पे बताऊँ, वेदरिंग है, ठीक है। वेदरिंग का स्पेलिंग WETHERING, RING, ठीक है, वेदरिंग होता है, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन को वेदरिंग भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सॉइल सॉलिड पार्टिकल है, अब जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे सॉलिड पार्टिकल हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, तो इनके बीच में आप अगर देखेंगे, इनके बीच में तो आपको वॉइड्स दिख रहे हैं, इनके बीच में अगर वॉइड्स आप देखेंगे तो वॉइड्स दिख रहे हैं, ये देखिए ये वॉइड्स दिख रहे हैं, इनके बीच में ये खाली जगह जो दिख रहा है आपको, वॉइड्स दिख रहा है, ठीक है। तो ये वॉइड्स, ये जो आपको जगह दिख रहा है ना, ये जो जगह दिख रहा है, इसी को वॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? वॉइड्स बोलते हैं। इनके पार्टिकल्स हैं, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये, तो अभी तो ये छोटे छोटे हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये पार्टिकल्स के बीच में गैपिंग आपको दिखेगी, ठीक है। तो गैपिंग को ही क्या बोला जाता है? वॉइड्स बोला जाता है, ठीक है, वर्ड्स। तो यहाँ पर पॉइंट मैंने लिखा है, वेन एवर देयर इज सॉइल चांसेस, सॉइल जब भी होता है, वेन एवर देयर इज ए सॉइल, चांसेस ऑफ वॉइड्स, वॉइड के चांसेस होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वॉइड, सॉलिड जो होता है, वॉइड्स और सॉलिड थ्री टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स के इसको कैटेगराइज किया गया है। ये मैं बता रहा हूँ, इसको आगे भी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट मैंने लिया है, जिसमें क्या है, ओनली क्या है कि सॉइल है, मतलब सॉलिड पार्टिकल है और एयर है, इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल है और एयर है, ठीक है। तो इसके अंदर वॉइड्स जो है एयर है, ठीक है। टू फेज डायग्राम में दो तरीके से होते हैं, एक तो या फुल्ली ड्राई हो, ठीक है, दो होता है। ये पहला वाला जो है ना, ये पहला वाला, ये फुल्ली ड्राई है। फुल्ली ड्राई का मतलब है कि इसमें सॉलिड पार्टिकल सॉइल के और एयर होंगे, ठीक है, एयर और सॉलिड पार्टिकल्स होंगे। दूसरा होता है फुल्ली सेचूरेटेड। फुल्ली सेचूरेटेड मतलब जो वॉइड्स है ना, वो पूरा वाटर से फिल हो जाता है। वॉइड्स जो है यहाँ पे, वाटर जो है ये वॉइड्स है, ठीक है। सॉइल मतलब सॉलिड पार्टिकल और वाटर से ये दोनों इसमें होते हैं, तो ये भी टू फेज में है, सॉइल है और वाटर है, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल है सॉइल के और वाटर है, तो ये भी टू फेज डायग्राम में आ जाता है, ठीक है। और ये टू फेज डायग्राम आगे मैं बताऊँगा, आप टेंशन मत लें, आगे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इंट्रोडक्शन में क्या क्या पॉइंट है, वो पॉइंट को मैं वन बाय वन तरीके से बताऊं। देखो, थ्री फेज डायग्राम में देखोगे ना, तो जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी आएंगे, एयर भी आएगा, वाटर भी आएगा। एयर और वाटर तुम्हारा जो है वो वॉइड्स हैं, ठीक है, वॉइड्स हैं, और ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं। तो थ्री फेज डायग्राम में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। आगे पॉइंट अगर आप देखेंगे कि सम टाइम वी कंसीडर फोर फेज डायग्राम, ये आपने नहीं सुना होगा, लेकिन IAS में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा है कि सम टाइम्स मतलब कंसीडर करते हैं फोर फेज। तो फोर फेज में देखो, थ्री फेज में तो आपका सॉलिड था, वाटर था, एयर था, जो चौथा पार्ट होता है ना वो ऑर्गेनिक मैटर है। अगर सॉइल जो है, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है,
ऑर्गेनिक मैटर जो है वो अगर प्रेजेंट है, तो वो जो प्रेजेंट है अगर उसके अंदर प्रेजेंट है तो उसको फोर फेज सिस्टम या फोर फेज डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट करके बताते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि फोर फेज में जो चौथा मटेरियल है, चौथा पार्ट है, वो क्या है, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आईएएस में भी पूछा है कि ताकि आपको समझ में आ जाए, इसीलिए मैं ये पॉइंट भी बता दिया, ठीक है। जितना हो सके उतना पॉइंट मैं ऐड कर दूंगा कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो सके, ठीक है। आगे देखेंगे कि सॉइल मैकेनिक्स को स्टार्ट किसने किया था। अगर सॉइल मैकेनिक्स है तो उसको स्टार्ट किया था डॉक्टर कार्ल तर्जाकी ने, ठीक है, जिनको फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी बोला जाता है, डॉक्टर कार्ल तर्जाकी, ठीक है। तर्जाकी साहब ने बहुत सारे मतलब एजम्पशंस लिए हैं, थियरी दिए हैं, तर्जाकी थियरी आगे हम पढ़ेंगे उसको भी डिटेल में, बस इतना जानते रहें कि फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन है, डॉक्टर कार्ल तर्जाकी हैं, ठीक है। ये पॉइंट सिर्फ याद रखेंगे। उन्होंने क्या दिया था कि एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स ऑफ डिटरमाइनिंग इंजीनियर प्रॉपर्टीज, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, जैसे कि हाइड्रोलिक्स से रिलेटेड हो चाहे मैकेनिक्स से रिलेटेड जो लॉज हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनको तर्जाकी साहब ने ये दिया था, ठीक है। आगे जब पढ़ेंगे ना, आगे डिटेल में तर्जाकी थियरीज पढ़ेंगे तो उसमें आपको टोटल पॉइंट समझ में आएगा, ठीक है। अभी तो बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देखते रहेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये जो नोट्स है अगर किसी को चाहिए तो वो व्हाट्सअप, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसके जो चैनल है उसके अबाउट में जाओगे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर वहाँ से मिल जाएगा, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि कैसे ये नोट्स मिल सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। आगे पॉइंट देख लेते हैं। आगे इज है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। आगे जो पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जिसको डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स भी बोला जाता है, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन को मैंने पहले भी बताया कि वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन को वेदरिंग बोलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मेशन मतलब सॉइल बना कैसे है, ठीक है, सॉइल की बना कैसे है, तो पहले तो वो वेदरिंग, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन को वेदरिंग बोलते हैं, मतलब वो जो रॉक है उससे टूट जाना, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाना, उसी को वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है। अब वेदरिंग होता है तो फिर बाद में ट्रांसपोर्ट भी होता है, ट्रांसपोर्ट का मतलब वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे किसी भी वे से, चाहे वो विंड के माध्यम से हो रहा है, चाहे वो एयर के माध्यम से, एयर विंड एक ही है, या वाटर के माध्यम से हो रहा है, या तो ड्यू टू ग्रेविटी के कारण हो रहा है, तो किसी भी वे से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट होके फिर देखो, ट्रांसपोर्ट होता है तो डिपोजिट होता है, डिपोजिट होके इस तरीके से बना देता है, मतलब टीला जैसा बना देता है, जिसको अपहीवल बोलते हैं, अपहीवल बोलते हैं, इसे टीला जैसा बना देता है, ठीक है, ठीक है। अब ये टीला जैसा बनता है तो फिर उसके बाद से किसी न किसी रीजन से ये क्या होता है, वेदरिंग इसका होता है, फिर ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब ये एक साइकिल जैसा बन जाता है, ये पूरा एक क्या साइकिल जैसा बन जाता है, तो इसी को बोला जाता है जियोलॉजिकल साइकिल, इसी को क्या बोला जाता है, जियोलॉजिकल साइकिल। तो ये पॉइंट ध्यान रखें जियोलॉजिकल साइकिल को, कि मतलब जो रॉक्स होते हैं उसका वेदरिंग में होता है, वेदरिंग से ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट से डिपॉजिट होता है अपहीवल के फॉर्म में, और अपहीवल के फॉर्म से फिर बाद में उसका वेदरिंग होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, डिपॉजिट होता है, तो ये एक साइकिल चलती रहती है जिसको ही बोला जाता है जियोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। अब वेदरिंग की बात करें तो वेदरिंग जो होता है, यहाँ पर उस पॉइंट को एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि वेदरिंग जो होती है, यहाँ पर ध्यान देना, वेदरिंग जो होती है वो दो तरीके से होती है, एक तो फिजिकली होती है और दूसरा होता है केमिकली, एक तो फिजिकली होती है, दूसरा होता है केमिकली। फिजिकली जो मतलब एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो होता है, अब एक्सटर्नल एजेंट क्या हो सकते हैं, विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, ठीक है, अर्थक्वेक हिलता है, इधर उधर हिलता है, फिर रॉक्स का टूट के और छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाना, या तो वाटर के माध्यम से वाटर फ्लो होता है तो कुछ रॉक्स के पार्ट टूट के कुछ और जगह चले जाते हैं, विंड के द्वारा, विंड के प्रेशर से कुछ रॉक्स टूटते हैं, तो ये एक्सटर्नल एजेंट हैं जिनके द्वारा, मतलब एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा अगर हो रहा है ना तो उसको फिजिकल वेदरिंग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल वेदरिंग बोलेंगे, ठीक है। अब फिजिकल वेदरिंग में अगर नोट करके लिखना है तो ये जो फॉर्म बनाते हैं ना, इट फॉर्म कोहिजन लेस, ये कैसे सॉइल बनाते हैं, कोहिजन लेस सॉइल्स फॉर्म करते हैं फिजिकल वेदरिंग से, पॉइंट लिख लेना बड़े अच्छे से पॉइंट। आप देखो अगर ये नोट्स आप खुद भी लिखोगे तो बहुत बेटर रहेगा, आप खुद लिखें जितने पॉइंट है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपने नोट्स खुद बनाएं, तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। देखिए, इट फॉर्म्स कोहिजन लेस सॉइल
एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ कि सैंड है, ग्रेवल है, ठीक है, सैंड या ग्रेवल होता है, कोहिजन लेस सॉइल इसको बोला भी जाता है। ये पॉइंट भी आप क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हैं, कोहिजन लेस सॉइल कौन सकते हैं, सैंड है, ग्रेवल है, और भी कई सारे टाइप के होंगे, लेकिन सैंड क्या है, कोहिजन लेस है, ये पॉइंट ध्यान रखें। ग्रेवल क्या है, कोहिजन लेस है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिजिकल इंटीग्रेशन से इस टाइप के सॉइल बनते हैं, सैंड, ग्रेवल, कोहिजन लेस। पॉइंट याद रखना कि फिजिकल वेदरिंग से कोहिजन लेस फॉर्म्स बनते हैं, कोहिजन लेस सॉइल बनता है, ठीक है। केमिकल वेदरिंग से पॉइंट बता रहा हूँ, केमिकल वेदरिंग की बात कर रहा हूँ, तो केमिकल रिएक्शन से होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन रॉक के साथ होता है, तो इस प्रकार का सॉइल जो बनता है उसको केमिकल वेदरिंग बोला जाता है, ठीक है। जैसे रिएक्शन विथ वाटर, ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के होने के कारण जो मतलब सॉइल बनता है, या रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड से, या हाइड्रोलिसिस के द्वारा, या लीचिंग के द्वारा। लीचिंग क्या होता है, रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है, उसी को लीचिंग बोला जाता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना कि लीचिंग क्या होता है, तो लीचिंग एक केमिकल वेदरिंग है, केमिकल वेदरिंग है, जिसमें ऑर्गेनिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है तो जो सॉइल फॉर्म आता है उसी को बोला जाता है लीचिंग। तो नोट करके इसमें लिख सकते हैं कि ये जो फॉर्म करता है वो कोहिजन लेस सॉइल, कोहेसिव, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग में कोहिजन लेस होता है और केमिकल वेदरिंग में कोहेसिव सॉइल बनते हैं, ठीक है। जैसे क्ले है, सिल्ट है, इसको कोहेसिव सॉइल बोला जाता है, ठीक है। कोहेसिव का मतलब ये होता है ना, ध्यान देना, कोहेसिव का मतलब ये होता है अट्रैक्शन बिटवीन, देखो कोहेजन या कोहेजन लेस, ठीक है। अभी ये कोहेजन का मतलब ये होता है ना कि चिपचिपा, ठीक है। सेम पार्टिकल्स जो होते हैं, सेम पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन को कोहेजन बोला जाता है, ठीक है। तो उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है, वो कोहेजिव हैं, जिनके बीच में अट्रैक्शन नहीं है वो कोहेजन लेस है, ठीक है। तो इट फॉर्म्स कोहेजिव सॉइल्स, ये जैसे कि क्ले और सिल्ट, मैंने यहाँ पॉइंट बता दिया, क्ले और सिल्ट। याद रखेंगे कि केमिकल वेदरिंग से क्ले और सिल्ट फॉर्म बनते हैं, ठीक है, फॉर्म सॉइल बनते हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टी से सैंड और ग्रेवल, केमिकल से क्ले और सिल्ट, और फिजिकल प्रॉपर्टी से सैंड और ग्रेवल बनते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट तो इस वीडियो में याद रखेंगे कि इतने पॉइंट को मैंने रिवाइज करके बताया, क्या क्या पॉइंट बताया कि सॉइल क्या होता है, ठीक है, सॉइल क्या होता है, फिर बाद में सॉइल जो होते हैं उसके अंदर वॉइड्स होता है, जब सॉइल बन जाता है तो वॉइड्स होते हैं उसके अंदर, तो वॉइड्स उसके अंदर पॉसिबिलिटी होती है, उसके मैंने डायग्राम बना के बताया कि टू फेज डायग्राम, थ्री फेज डायग्राम में क्या क्या होता है, ये पॉइंट से रिलेटेड पॉइंट बताया, फिर बाद में वेदरिंग से रिलेटेड बताया, फिर बाद में फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स दर्जागी हैं, ये सारे पॉइंट मैंने डिस्कस करके बताए हैं। इन पॉइंटों को याद रखें, आप खुद नोट्स बना के लिख लीजिए कि ताकि ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज़ मैं आप तक प्रोवाइड करते रहूँगा। रोजाना एक एक वीडियो या दो दो वीडियोज़ भी देखेंगे ना तो आपका सॉइल मैकेनिक्स एकदम परफेक्ट हो जाएगा। मैं ट्राई करूँगा कि बहुत जल्दी ही आप तक ये प्रोवाइड कर दूँ, सारे के सारे जितने भी लेक्चर्स हैं वो बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूँ कि ताकि आपको ये जो सब्जेक्ट है वो आपको आसान हो जाए, ठीक है। तो आसान बनाना है तो आप ये वीडियो देखते रहिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, और वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और अपने फ्रेंड, जितने भी दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करें कि ताकि वो भी जो सॉइल मैकेनिक्स है, स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट लेवल पे जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें काफ़ी कुछ हेल्प करेगा। मैं बहुत बेसिक लेवल पे ही पढ़ा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, ठीक है, उतने भी ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा कि आपकी आपको बोर लगने लगे, ठीक है। वो डीप वाला मैं अदर से बाद में बना के उसको भी, जिसको अगर डीप में भी पढ़ना है तो अदर से मैं, जैसे कि सॉइल मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैंने पढ़ाया, डीप में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और बिल्डिंग मटेरियल मैंने डीप में पढ़ाया, वो भी चीज़ें आप देख सकते हो, 57 लेक्चर्स, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे भी पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।